Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? लिविंग थिंग क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ऑल काइंड, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. कोई भी जानदार अपने ही जैसे कोई न्यू जानदार क्रिएट करे या बनाए, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन का मेथड डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है, जैसे लाइक अ बर्ड्स, फ्रॉग, लिजर्ड, फिश एंड इंसेक्ट्स लेग्स, परिंदे, मेंढक, चिपकली, मछलियाँ और इंसेक्ट जो हैं वो अंडे देती हैं. और एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स, कॉस एंड शीप प्रोड्यूस बेबीज. डॉग्स, कैट्स, कॉ एंड शीप जो हैं वो बेबीज बर्थ करते हैं. ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि हैन लेग्स करते हैं और कैट बेबी बर्थ करती हैं. अब हम डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे. पहला हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाई. यहाँ पे आप देख रहे हैं बटरफ्लाई किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. डिफरेंट स्टेजेस यहाँ दिखाए गए हैं. बटरफ्लाई पहले लेग्स करते हैं, एक अंडे देती है पत्तों की सतह पर. उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद कैटरपिलर में चेंज होती है. ये स्टेजेस इनका क्या कहलाता है? कैटरपिलर. कैटरपिलर के बाद ये प्यूपा स्टेज है. प्यूपा में चेंज हो जाते हैं और इनके जो है आउटर कवरिंग हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाते हैं. इस हार्ड कवरिंग को हम कोकोन कहते हैं. प्यूपा कुछ हफ्तों के बाद वो दोबारा से बटरफ्लाई बन जाती है. इस तरह से एक बटरफ्लाई जो है वो डिफरेंट स्टेजेस गुजरने के बाद दोबारा से बटरफ्लाई कहलाती है. ये कम्प्लीट एक लाइफ साइकिल होता है दोबारा से बटरफ्लाई बनने के लिए. तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो एक एग से शुरू होकर कंप्लीट एक अडल्ट बटरफ्लाई में बन रही है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फिश. फीमेल फिश ले एग्स करती हैं. वो एग्स जो है हैच आउट होकर लार्वा में चेंज होते हैं. ये स्टेजेस जो है लार्वा स्टेजेस कहलाता है. लार्वा जो है बेबी फिश को हम क्या कहते हैं? फ्राई. लार्वा से वो किस में चेंज होते हैं? फ्राई में. इस फ्राई की जो लुक आफ्टर है वो मेल फिश करते हैं. फिर ये फ्राई से दोबारा से ये अडल्ट फिश बन जाते हैं, अपने ही जैसे ये दोबारा बना लेते हैं. इस तरह से ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर फिश प्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग. इसी तरह से फ्रॉग में भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. फ्रॉग क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं. ये एक क्लस्टर फॉर्म में जेली बहुत सारे होते हैं. विंटर सीजन में ये अंडे दे देते हैं फ्रॉग, जिसको हम स्पॉन बोलते हैं. क्या कहते हैं? हम स्पॉन कहते हैं. स्पॉन जो है ये बेबी फ्रॉग में चेंज हो जाता है, जिसको हम बेबी फ्रॉग को हम टेडपोल कहते हैं. टेडपोल से ये दोबारा अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है. इस तरह से एक फ्रॉग एग्स देने के बाद टेडपोल से ये स्टेज फ्रॉग तक चेंज हो जाता है. तो ये पूरा एक प्रोसेस, पूरा एक साइकिल बन रहा होता है. इस तरह से फ्रॉग में रिप्रोडक्शन का अमल होता है. रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स. बर्ड्स में भी इसी तरह से होता है. बर्ड्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं. अंडे के बाहर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, शेल होती है, जिसको हैन जो है कीप देम वर्म, यानी इसे गर्म रखते हैं. उसके बाद ये चीक में चेंज हो जाते हैं. हेड, आईज, टोस, पूरी बॉडी, फीडर सब डेवलप हो जाता है. फिर कुछ दिनों के बाद जो है ये दोबारा से हैन में चेंज हो जाती है. ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद ये दोबारा से चीक बन जाए, चीक से हैन बन जाए. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन इन मैमल्स. इन हुमैन एंड अदर मैमल्स द फीमेल गिव बर्थ टू बेबी. हुमैन हो रिप्रोडक्शन इन मैमल. इन हुमैन एंड अदर मैमल्स द फीमेल गिव बर्थ टू बेबी. हुमैन्स या अदर मैमल जो है फीमेल जो है वो बेबी बर्थ करती है. एज सून एज बेबी इज बॉर्न इट बिगेन टू फीड ऑन इट्स मदर मिल्क. ये फीड के तौर पर मदर मिल्क लेती है. बहुत पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों जो है बेबी की लुक ऑफर करते हैं. जब ये बड़ा हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से ये सेपरेट हो जाते हैं वुमेन्स के अलावा. इस तरह से मैंने पूरे डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बताया है. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट है फ्लावर विच प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स. फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, जाहिर है वो फूड और सीड प्रोड्यूस करते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. न्यू प्लांट जो है सीड प्रोड्यूस करते हैं.
देयर आर थाउजेंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दुनिया में जो है हजारों की तादाद में फ्लावरिंग प्लांट मौजूद है। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या है? प्लांट का एक हिस्सा है जिससे फ्रूट और सीड्स बनते हैं। फ्लावर कहाँ ग्रो होते हैं? स्टेम पे ग्रो होते हैं, जिसको हम स्टॉक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? फोर पार्ट्स होते हैं। आउटर फर्स्ट और आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सेपल्स। पहला होल क्या कहलाता है? सेपल्स कहलाता है। सेकंड कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। सेकंड पार्ट्स क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है। थर्ड होल ऑफ फ्लावर एंड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमेन। ये देखिए ये क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसको हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं, स्टैमेन कहलाता है। ये स्टैमेन जो है दो हिस्सों में, दो स्टैमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और ये स्टॉक। फोर्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल, इज कॉल्ड कार्पल। कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, जिसके थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये पूरा क्या था? फ्लावर का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट पोलिनेशंस। पोलिनेशंस क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन के इस एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है जो मेल सेल्स कहलाते हैं। जब ये मेल सेल्स फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के स्टिग्मा, ये क्या है, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पोलिनेशंस कहलाता है। फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशंस क्या है? जब पोलन ग्रेन मेल सेल्स जब फीमेल सेल से आके फ्यूज हो जाए, यानी कि पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे गिरे और वहाँ पे एक पोलन ट्यूब बन जाता है, इस पोलन ट्यूब के साथ मेल सेल आकर के फीमेल सेल से मर्ज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और फीमेल, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। और फीमेल सेल्स क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। सीड्स एंड फूड। सीड्स क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है क्या बन जाता है? ओव्यूल सीड प्रोड्यूस कर जाता है, फ्रूट करता है। और वॉल ऑफ ओवी क्या बनाता है? फ्रूट बना देता है, जैसे कि आपने यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे स्कैटरिंग ऑफ सीड, स्कैटरिंग ऑफ सीड या डिस्पर्जल ऑफ सीड क्या होता है? वेन द सीड्स आर रिप दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम द प्लांट दैट मेड देम टू दैट दे कैन ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट। जब सीड्स या फूड जब पक जाते हैं वो क्या होता है, पौधे से दूर जा गिरते हैं और ग्रो करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्कैटरिंग कहलाता है, या दूसरे लफ्जों में इसे हम डिस्पर्सल भी कहते हैं, यानी कि बीजोगा इंतशार। इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से ये स्कैटरिंग होता है। कुछ सीड्स इतने लाइट वेट होते हैं कि वो तेज़ हवा के थ्रू दूर जा गिरते हैं। कुछ सीड्स जो होते हैं उसमें हुक्स लगा हुआ होता है, वो एनिमल्स के बॉडीज में चिपक जाते हैं। जब वो एनिमल दूसरी जगह पर जाते हैं, इस तरह से सीड जो है दूसरी जगह पे जाता है और फिर वो ग्रो हो जाता है। कुछ सीड्स, फ्रूट के सीड जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो एनिमल्स उसे खा लेते हैं और फिर ये एनिमल जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे इसे ड्रॉप कर देते हैं। इस तरह से कुछ सीड जो है स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड हैज़ अ हार्ड आउटर कोट कॉल्ड द टेस्टा। सीड के जो बाहर हार्ड आउटर शीट जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कवरिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टा। इट प्रोटेक्ट का काम क्या होता है, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक देयर इज अ स्मॉल होल इन द टेस्टा थ्रू विच एयर एंड वाटर इंटर द सीड। इसमें एक छोटा सा होल होता है टेस्टा में, इसमें से वाटर इंटर होता है, एयर जो है पास आउट हो रहा होता है। देयर इज आर टीनी प्लांट, इसके अंदर एक टीनी प्लांट छोटा सा प्लांट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अ सीड आल्सो हैज वन और टू सीड लीव्स और कोटिलीडन। हर सीड्स में एक या दो सीड्स लीव्स होते हैं जिसको हम कोटिलीडन कहते हैं। अगर सीड्स में एक लीव्स हो या एक सीड्स हो या बीज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकोटिलीडन कहते हैं। अगर यही सीड्स जो है दो लीव्स हों तो इसको हम डाइकोटिलीडन कहते हैं। और इस सीड्स के, टीनी प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल्स और रेडिकल्स। प्लूम्यूल जो है फर्स्ट शूट ऑफ प्लांट कहलाता है, प्लूम्यूल, और फर्स्ट शूट रूट ऑफ
फर्स्ट पार्ट सीट का क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन यानी कि जो सीड्स के लीव्स होते हैं उसको फंक्शंस क्या होता है, उस लीव्स को हम क्या कहते हैं, सीड्स लीव्स को हम क्या कहते हैं, कॉटिलेडन। अभी हमने बताया है कि एक लीव्स होंगे तो उसे हम मोनोकॉटिलेडन कहेंगे और अगर दो लीव्स होंगे तो डाइकॉटिलेडन कहेंगे। तो कॉटिलेडन प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, कॉटिलेडन क्या करता है, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। और फिर कॉटिलेडन फूड स्टोर इन द कॉटिलेडन फूड स्टोर होता है कॉटिलेडन में। इन सम सीड्स द कॉटिलेडन आर पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कुछ सीड्स में ये कॉटिलेडन क्या होता है, पुल आउट हो जाता है, अंदर चला जाता है और फिर एम्ब्रियो जो है, जो टीनी प्लांट लाते हैं एम्ब्रियो, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। अब आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन क्या होता है, व्हेन अ सीड इज सोन इन द ग्राउंड एंड वाटर। जब सीड जो है, सीड को हम सॉइल में सोन करते हैं, बोते हैं और इन्हें वाटर देते हैं तो इट बिगन टू ग्रो, तो ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। यानी किसी सीड का ग्रो होना, नशोनुमा पाना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। काइंड ऑफ जर्मिनेशन, काइंड ऑफ जर्मिनेशन कितने तरीके होते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन इट इज द कॉटिलेडन रिमेन बिलो द सॉइल, इट इज कॉल्ड हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, कॉटिलेडन क्या है, बिलो द सॉइल है। कॉटिलेडन क्या है, कॉटिलेडन क्या है, सीड लीव्स है, तो ये क्या हो जाता है, बिलो द सॉइल। जब कॉटिलेडन बिलो द सॉइल हो और प्लम्यूल जो है वो ऊपर की तरफ, सीड जो है ऊपर की तरफ ग्रो कर जाए और कॉटिलेडन जो है वो जमीन में ही रह जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। एपिजियल जर्मिनेशन, अगर कॉटिलेडन अबव द सॉइल आ जाए और सीड भी ग्रो कर जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ये तो थी कि सीड जर्मिनेशन, सीड किस तरह से जर्मिनेट करता है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि प्लांट जो है विदाउट सीड जर्मिनेट करता है, वो हम आपको बारी बारी बताएंगे। जैसे कि मॉसेस और फर्न, ये विदाउट सीड भी जर्मिनेट, कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। सीड के बगैर भी कुछ प्लांट जो है जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, वो हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मॉसेस, फर्न जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, इनमें स्पोर्ट कैप्सूल होते हैं। जब ये कैप्सूल बस्ट होता है, ये फटता है तो हवा के थ्रू, तो ये दूर जा गिरते हैं पौधे से और न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। स्ट्रॉबेरी, सेकंड एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, जो रनर प्लांट भी कहलाते हैं, ये भी आप पिक्स में देखिए, रनर प्लांट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, जगह जगह से क्या करते हैं, ये ग्रो होना शुरू करते हैं, बर्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं और न्यू प्लांट, हर बर्ड से क्या होता है, ये न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। इसी तरह से ट्यूबर, पोटैटो जो है वो ट्यूबर कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इस ट्यूबर में एक छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और हर बर्ड्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर रहा होता है। ब्रायोफाइलम जो क्लासिफिकेशन है प्लांट की, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, फ्लैश थिक लीव्स होते हैं जिसमें एजेस बने होते हैं और हर एजेस से क्या होता है, न्यू प्लांट, न्यू लीव्स ग्रो कर रहा होता है। कुछ प्लांट को जो है कटिंग करके, हम स्टेम को कट करने के बाद उसको दोबारा सॉइल में लगा देते हैं और वो न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट, या फॉर एग्जाम्पल ही जिंजर, जिंजर क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम दैट आर सॉइल, इनके स्टेम जो है अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं और सॉइल होते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते हैं, स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। ये जो है दे ग्रो स्टार्ट थ्रू द सॉइल, ये सॉइल में ही ग्रो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, कि हर राइजोम क्या करता है, न्यू प्लांट ग्रो कर रहा होता है। इसी तरह से कॉर्न में भी होता है, कॉर्न इज अ शॉर्ट स्टेम सॉइल विद अ स्टोर फूड। स्टेम में क्या होता है, शॉर्ट स्टेम होता है जो फूड को स्टोर कर देते हैं, हर स्टेम भी क्या करते हैं, न्यू कॉर्न डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह से ऑनियन में भी है, अनियन में क्या होता है, बल्ब, इस अनियन को हम क्या कहेंगे, बल्ब, बल्ब इज मेड अप ऑफ थिक ओवरलैपिंग लीव्स। इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं, जब आप अनियन को छील रहे होते हैं तो आपको दिखता है कि एक के बाद एक के बाद एक ओवरलैपिंग लीव्स आपको मिलते हैं, विच कंटेन स्टोर फूड, ये फूड स्टोर करते हैं। ईच बल्ब हैज अ बड, हर बल्ब में बड्स होता है सेंटर में, और यही जो है न्यू प्लांट ग्रो कर रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे क्लास वर्क। क्लास वर्क में क्या है, आपको यहाँ पे जब चैप्टर समझा दिया, आई होप दैट आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, टाइटल पेज बना करके आप राइटिंग करेंगे वन पेज, उसके बाद आप वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, वर्ड्स मीनिंग के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर आपको
चैप्टर में अच्छी तरह से समझा दिया गया टॉपिक, उसी टॉपिक से यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आंसर्स मौजूद है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ब्रिंकिंग न्यू लिविंग थिंग ऑफ वन ऑन काइंड इनटू अ वर्ल्ड इज इट कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी कि आपको बता दिया था कि कोई भी लिविंग थिंग अपनी तरह न्यू जानदार जो है क्रिएट करे उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। व्हाट डू बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस? बर्ड्स किस तरह से यंग वन की हिफाजत करते हैं। व्हाट इज मैमल? फ्लावर आर फ्लावर्स इंपॉर्टेंट? व्हाट इज पोलिनेशन? फर्टिलाइजेशन? सीड्स व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक द सीड एंड फ्रूट? बताया था ओवरी ऑफ द फ्लावर मेक द फ्रूट एंड सीड्स। हाउ आर सीड एंड फ्रूट स्कैटर्ड? मुख्तलिफ तरीका बताया था कि इस तरह से सीड जो अपने पौधे से जा करके दूर जा गिरते हैं और ग्रो करते हैं। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, आपको आंसर यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप यहाँ पर लिखना है आपने। इसी तरह से ये पार्ट ऑफ द फ्लावर दिया गया है यहाँ पे लेबलिंग करने के लिए, इसको आप स्टडी करें। अच्छी तरह से आपको समझा दिया गया है कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा मजीद उसके सब पार्ट्स कितने होते हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझा दिए गए। इसके अलावा जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और फिश, जो बुक के पेज नंबर 17 और 18 में मौजूद है, तो वहाँ से आपने ये डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आई होप सो। और इसको आप अच्छे से काम कीजिए, आई होप सो कि आप इसको समझ चुके होंगे।